अच्छा जनाब, बात करते हैं आप पैसिव आर्टिकुलेटर्स की। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स पे हम बात कर चुके, वो दो ही थे, दोनों के ही आपको समझा दिया, लोअर लिप्स था और टंग थी। अब बात करते हैं हम पैसिव आर्टिकुलेटर्स पे। पैसिव वो है जो क्या करते हैं, कैन नॉट बी मूव्ड, मूव नहीं कर सकते ये। देखिए, कैन नॉट के साथ जब बी लगेगा ना, तो ई डी जरूर लगाना है, थर्ड फॉर्म लगेगी, ये हरकत नहीं करेंगे, लेकिन परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म क्या करेंगे, क्रुशियल रोल, बड़ा अहम रोल परफॉर्म करेंगे स्पीच प्रोडक्शन के अंदर। ये नहीं कि सुस्त हैं तो काम ही नहीं करते, क्रुशियल रोल है इनका। एक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेट है, वो आके इनको हिलाते जुलाते हैं, वो आके इन एक्टिव इनके बगैर बोल भी नहीं सकते, यानी एक्टिव आएंगे, इनसे टच करेंगे, तो ही आपकी वर्ड्स जो है ना, वोकल ऑर्गन से आवाज निकलेगी। ये आते हैं इनके पास काफी क्लोज तक, और क्या करते हैं, इफेक्ट द शेप, फिर एक शेप बना देते हैं आउट गोइंग कॉलम ऑफ एयर का। ये जो एयर स्ट्रीम्स है उसको बाहर निकालने के लिए एक शेप बन जाती है, यानी बाजू का वो शेप राउंड हो जाती है। अगर हम ओ बोलते हैं तो हमारा मुंह गोल हो जाता है, अगर हम ई बोलते हैं हमारा मुंह चौड़ा हो जाता है, यानी लिप्स फैल जाते हैं। तो ये हमारी जो है ये शेप्स बनती हैं। फिर फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट क्लोजर, तभी तो मुकम्मल बंद हो जाते हैं, मुकम्मल मीम बोल के देखे, पूरा का पूरा मुंह बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, कमिंग आते हैं, फुल कांटेक्ट आते हैं, एक दूसरे के साथ मुकम्मल जाबते में, मुकम्मल राबते में, और फिर जनाब एक दूसरे से साथ मिलके आवाज पैदा करते हैं। सो एक्टिव एंड पैसिव दोनों का तल्लुक होता है। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, मोस्टली लोकेटेड होते हैं अपर पार्ट ऑफ द माउथ। अंडरलाइन करें, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा आ गया, जो आपके जनाब ये पैसिव हैं ज्यादातर ऊपर ही रहते हैं। देखिए, वो एक्टिव नीचे थे ना, लोअर लिप्स भी नीचे था, टंग भी नीचे है, ये ऊपर है, ये इस हिस्से को अंडरलाइन कर ले। और बिगिनिंग होते हैं फ्रंट पर होते हैं, जैसे कि अपर लिप्स हो गया, जैसे कि अपर टीथ हो गए, अल्वेलर रिज हो गया, हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ दिखा दी थी। ये था अल्वेलर रिज, जो दांतों का छत्ता है, वो भी ऊपर है, दांतों के छत्ते के साथ आपका हार्ड पैलेट भी ऊपर है, ठीक है, आपका अपर टीथ भी ऊपर है, मुंह के ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। अब ये सारे ऊपर वाले हिस्से में आएंगे, और फिर कहाँ करेंगे, बिहाइंड द हार्ड पैलेट और बैक वॉल ऑफ द थ्रोट। तो ये फ्रेनिक्स जो होता है ये यहाँ था, ये आपके बैक वॉल के पास है, ऊपर वाले के साथ ही कॉन्टेक्ट लेके नीचे आ रहे थे। सो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अपर लिप्स क्या करते हैं जनाब, दो अपर लिप्स इज नॉट अ रिज्ड ऑर्गन, कोई इतना सख्त अज़ा नहीं है, ऊपर वाला होंठ मुड़ जाता है ना, हिलता जुलता है, मूव कर सकता है, कैन बी मूव्ड, मूव हो सकता है जब हम स्पीच प्रोडक्शन करते हैं। नॉट यूज टू अ मोबाइल आर्टिकुलेटर, आर्टिकुलेटर मोबाइल इसे इस वजह से नहीं कहा जाता कि ऊपर वाला ना नीचे आ सकता है, थोड़ा सा टच दे सकता है, लेकिन वो नीचे वाले होंठ की तरह ना गोल मोल घूम नहीं कर सकता है, इसी वजह से उसको हम कहते हैं कि वो पैसिव है। लोअर लिप्स क्या करता है, रिचेज अपर लिप्स, ऊपर वाले लिप्स के पास जाता है और क्रिएट करता है वेरियस कंस्ट्रक्शन, जाके मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें पैदा करते हैं विद इट, किसके साथ, हमारे अपर लिप्स के साथ जुड़ के, कौन, लोअर लिप जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन कर दी जाती है, इसको दर्जा बंदी दे दी गई, इसको क्लास दे दी गई है पैसिव आर्टिकुलेटर की। अपर टीथ क्या करते हैं, ये एक रो होती है, याद है ना आपके ऊपर वाले टीथ की, तो पूरी एक रो है, पूरी एक कतार है दांतों की, और ये भी पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, जो टंग की टिप होती है ना, अभी आपने टिप देखी है ना टंग की, ऐसे करके ये जो टंग की ये वाली टिप थी, और टंग के जो ब्लेड होते हैं, क्योंकि ये हिस्सा ब्लेड को टच करता है ना, जो आपके ये दाढ़े होती हैं साइडों पे होती है ना दाढ़े वाले, वो ब्लेड उसको टच करता है टंग का, इसके साथ ये क्या करेंगे, फिर लोअर लिप्स के साथ भी जाती है हमारी टंग, और जाके कंस्ट्रक्शंस पैदा करते हैं। कंस्ट्रक्शन को भूलना नहीं है आपने, यही आपका काम है, इसने हवा को ही रोकना है, और सिर्फ कॉन्सोनेंट में ही यूज होंगे, वॉवल में यूज नहीं होंगे। एक्टिव और के ऑर्गन्स क्या करते हैं, कैन डू इधर विद द एजेस ऑफ द टीथ, ये जो एजेस होते हैं ना, ये जो आप टीथ ऐसे होता है, यूं होता है ना टीथ, तो ये टीथ का किनारा होता है, जो एजेस जो होते हैं ना उसके साथ भी एक्टिव ऑर्गन्स जाके टच करते हैं, और बैक ऑफ देम, और जाके फिर उनको क्या करेंगे, एजेस के साथ और टीथ की बैक के साथ, बैक किसकी है, हमारे दांतों की। अब अपने दांतों के अंदर जुबान फेरे, यहाँ पर ये फ्रंट है तो पीछे यानी इसकी बैक है, तो उसके साथ भी आपकी क्या करेंगे, एक्टिव ऑर्गन्स यानी आपकी टिप ऑफ द टंग वहां जाके टच कर सकती है, फेर के देखें ऊपर वाले दांतों के अंदर, और ये जो दारे हैं वहां आपका ब्लेड, दांत का, जुबान का ब्लेड टच कर रहा है।
अब डेंटल क्लास जो साउंड्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं इसी तरीकाकार से, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में आके ये आपको डेंटल साउंड बताती हूँ। अपर टीथ जो है वो क्या करेंगे, इन्वॉल्व कर देते हैं प्रोडक्शन के लिए फ्रैक्टिव साउंड। फ्रैक्टिव साउंड यहाँ पे रगड़ वाले साउंड आने हैं, और यहाँ लेबी और डेंटल आ जाएंगे जिनमें होंठ और दांत आपस में मिलेंगे, यानी नीचे वाला होंठ हो जाता है, ऊपर वाला दांत हो जाता है। ये तकरीबन एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक स्लिट कर देते हैं, झटका के साथ भी बाहर निकला देते हैं और फिसल के भी बाहर निकलाते हैं वर्ड, और हवा स्केप हो जाती है। और जब हवा वहां से बाहर को निकलती है तो फिर क्या होता है, फ्रिक्शन नॉइज होती है, क्योंकि दांत ने रुकावट रखी ना, लोअर लिप ने रुकावट रखी, तो फिर हमारी वहां पर क्या होनी है, आवाज में आके आपकी रुकावट आ जानी है। अच्छा जना, मैं जरा स्पीड पकड़ लूं, मेरी मीटिंग का टाइम कम रह गया। एल्वियोलर रीज आपका वो दांतों का छत्ता है, ये जो आपके दांतों का ऊपर वाले छत्ते की बात कर रहा है जहां जुबान टच करने में। अपर टीथ की बात हो रही है, ये ऊपर होता है एल्वियोलर रीज, और ये मोबाइल जो स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो एक्टिव स्पीच ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं को कह रहा है ये मोबाइल स्पीच ऑर्गन्स। वेरियस पार्ट्स होते हैं जो कि टंग के होते हैं, वही हमारे अपर रीज अपर टीथ तक पहुंचने हैं। नैरो ऑब्स्ट्रक्शंस होती है, स्ट्रिक्चर्स होते हैं, यानी छोटा सा ही ये रास्ता ब्लॉक करते हैं, और बाज़ुकात मुकम मल हवा ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि ये जो साइन है ना आपका, ये साइन है थ और ये साइन है ज, दिस और थिन, थ और द। एक होती है थ ऐसी लाइट वाली, और एक होती है थे है की वर्णी थ, जो हमारी अपनी आवाज होती है। ये दो साइन है आपके, यहां पर वो कहता है जनाब कंप्लीट क्लोजर भी हो जाता है और नैरो फ्रैक्शन भी होती है। आप बोल के देखे दिस और थिन, थ थिन और दिस, यहाँ पर वो इंग्लिश वाले तो दिस दिस कुछ और ही लैंग्वेज बोलते हैं, अब वो प्रोनाउंसिएशन तो हम नहीं कर सकते। हार्ड पैलेट की तरफ चले जाते हैं तो जनाब यहाँ पर भी एल्वेलर रिज आपके टच करता है, बताया था ना आपको, ये जो मुंह का भी वो हमने एक डायग्राम देखे ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर था आपके हार्ड पैलेट, यहाँ पर था आपके एल्वेलर रिज। ये हार्ड पैलेट जब करते हैं मेजर पार्ट्स के साथ तो ये कहाँ पर होते हैं, माउथ की रूफ। रूफ क्या था, क्योंकि उसने बोला अपर आपको ऊपर ही मिलेंगे, छाती मिलनी है, ये आपके मुंह की छत है। यहाँ पर एक हॉरिजेंटल प्लेट्स की बोन है, ये एक हड्डी है, हॉरिजेंटल किस्म की एक हड्डी है जो आपके मुंह में अंदर लगी हुई है, और फिर ये टर्मिनेट क्या करती है, ये जाके मिलती है सॉफ्ट पैलेट से। हार्ड पैलेट जो है उसका ताल्लुक आपके सॉफ्ट पैलेट से होता है, क्योंकि वो ऊपर ही होता है ना तालू, जुबान फेर के देखें। फिर ये जो पार्ट्स होते हैं ना दोनों, हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही तालू है, एक सख्त तालू है एक नरम तालू है, ये क्या करेंगे, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट करते हैं अपने नियर कॉन्टेक्ट, जब इनका तालू को तो हिलना नहीं है ना, तो तालू ने किससे जाकर अपनी बात पूरी करवानी है, जुबान से। दांत भी तालू के पास अंदर मुड़ के नहीं जा सकते, तो सिर्फ जुबान ही ने जाकर तालू को टच करना है, वो भी हमने वो द और थ देखा है ना, थ और द, थ और द, हमारी टिप ऑफ द टंग अल्वेलर रिज के साथ जाके टच कर रही थी। यहां से हमारे निकलनी है अच्छी शी और शी, ये वाले साउंड आने हैं, ये साउंड आते हैं तो फिर आपको इसका मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस देख लेंगे ये कैसे आने हैं, जरा टंग आएगी और फिर प्रोडक्शन क्या होनी है, नंबर ऑफ स्पीच साउंड्स फिर हमारे निकलने हैं। अगर हम इसको डिवाइडेड कर देते हैं पार्ट्स के अंदर, तो ये एरिया जहां पर टंग इसके साथ कॉन्टेक्ट करती है उसके हम हिस्सों में इसे कर सकते हैं। तो टंग के ही पार्ट्स थे जो हमने वहां पर बना रखे थे, जैसे कि टिप था, ब्लेड थे, रूट थी, फ्रंट था, ये टंग के पार्ट्स थे। फोनेटिक जब क्वालिटी होती है ना तो वो तब्दील भी होती है, किसके लिहाज से तब्दील होती है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, पॉइंट जहां आके टच देना है, जो आपका नुकता है वहां पर। और हार्ड पैलेट के कौन से पॉइंट पे वो टच करेगी टंग, तो इस लिहाज से वो आपका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में चला जाएगा। ये जो साउंड्स आ रहे हैं ये रिकॉग्नाइज कहलवाते हैं एज अ प्लेटल, इनको प्लेटल साउंड्स कहते हैं, यानी तालू की वजह से ये बोले जाते हैं। फर्दर अगर इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो जब टंग है जो कॉन्टेक्ट कर लेती है प्रिसाइज पैलेट एरिया, वही तालू के एरिया में मुख्तसर हिस्से में जब हमारी टंग का कॉन्टेक्ट हो जाता है, मिसाल देखते हैं, तो हम प्रोड्यूस कर देते हैं प्लेटो अल्वेलर साउंड्स। पहले उसने आपको बोला प्लेटल साउंड्स, फिर उसने बोला प्लेटल अल्वेलर साउंड, वो साउंड जो दांतों के छत्ते के साथ और तालू के साथ मिलकर बन रहे हैं, लेकिन कब बनते हैं, जब हमारी टिप ऑफ द टंग आती है और टच कर देती है ऊपर वाले हिस्से को, तो एक्सट्रीम जो फ्रंट है हमारा, यानी हमारे दांतों के बैक साइड पे, वहां पर हमारा हार्ट पैलेट भी है, वो आ जाता है इन दोनों के दरमियान, टिप ऑफ द टंग के दरमियान और एल्वेलर रिज के दरमियान कौन आता है,
हमारा हार्ट पैलेट, और फिर हमारे ये जो गम्स, ये दारे जो मैं आपको कह रही थी ना, गम्स जो होती है हमारे लिए, जो ऊपर जो हमारी गम्स है, हमारी दारे हैं, वहां पर भी हमारा प्लेटल मौजूद है, हमारा तालू का हिस्सा वहां भी है। एलवीओ प्लेटल जो एरिया होता है वो पीछे रह जाता है, तो ये जो इलाका चलता है हमारा, जिसको अभी मेंशन किया है हमने प्लेटल के नाम से, तो द स्लोप ऑफ द हार्ट पिलर, तो वही फिसलता फिसलता पीछे जाता है। प्लेटल आता है एल्वेलर रिज के जरा पीछे, और फिर उसके पीछे हमारा हार्ट पैलेट, और फिर आगे मजीद अगर यूं फिसलेंगे तो ये आपके ऊपर का तालू का हिस्सा है, तो फिर बैक आ जाएगी और सॉफ्ट पैलेट आ जाएगा। सॉफ्ट पैलेट पे पहुंच गए हम। सॉफ्ट पैलेट के बाद ये यूवेला है। यूवेला वो है जो ये लटक नहीं रहा होता, इसको क्या कहते हैं उर्दू में, जो लटकने वाला हिस्सा होता है उसको ये कहते हैं। और फेरिक्स आपने भी देखा तस्वीर में, गले वाला हिस्सा था। ठीक हो गया। चलो जनाब, सॉफ्ट पैलेट को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी आपकी फिक्स्ड एयर आर्टिकुलेटर होता है, यानी ये भी फिक्स है और मूव कर सकता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि ये सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है। इसमें लचक जरूर है लेकिन हरकत नहीं है। इसका प्रिंसिपल एक्शन क्या है? सॉफ्ट पैलेट क्या करेगा? वो कंसिस्टिंग करता है किसको? नेजल फ्रेंजियल कैविटी को, क्योंकि पीछे है ना तालू है ना, नाक नाक से जो हमारी आवाज आती है, फ्रेंजियल हमारे जो गले के पास से आती है, तो उसके साथ इसका ताल्लुक हो जाता है। और यही है, जब ये हमारा तालू नीचे आ जाता है तो ओरल पैसेज हमारा बंद हो जाता है, हमारी एयर स्ट्रीम अब कैसे जाएगी? आउट गोइंग नहीं जा सकती है, तो हमारी वो कैसे निकलेगी? जब हमारे मुंह से नहीं निकलेगी तो वो नाक से जाएगी।